أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Here we are going to discuss a new topic for the commerce student and the businessmen, trade related persons and this topic is joint stock company I will deliver this lecture in both English and Urdu especially in Urdu for my students and businessmen of the Pakistan and business person of the Pakistan as well as all other countries, all other worlds. Before this, I will request like and subscribe my channel, Tariq Lecture YouTube channel, which is designed and made for you for your study, education and vlogs. आपसे दरख्वास्त है कि हम अपने टॉपिक का आगाज करें डिस्कस करें अपने टॉपिक को मेरे चैनल तारिक लेक्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और हमारी हौसला अफजाई और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन वीडियो आपके लिए बना सके चले स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर तरह से यूट्यूब लेक्चर की जानिब से आज नया टॉपिक हमने कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स और उन तमाम अफराद के लिए जो बिजनेस से रिलेटेड हैं बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं ट्रेड ऑक्यूपेशन है या प्रोफेशनल लाइफ ऐसी अपनाना चाहते हैं जो कारोबार से मुतालिक हो तो उनके लिए आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे टॉपिक का टुडे वी हैव द नेम ऑफ द टॉपिक जॉइंट स्टॉक कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी एज यू नो देर इज थ्री नेम्स जॉइंट स्टॉक कंपनी कंपनी एंड कारपोरेशन But what these words are, to go with these words, we will understand why we need this. हमें हम इनकी तरफ जाएं हम पहले ये समझेंगे हमें इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है देखिए जब कारोबार को वसी और इस बुनियाद पर कायम करना हो तो प्रोप्राइटरशिप जिसे हम सिंगल प्रोप्राइटरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं और पार्टनरशिप जिसमें 20 अफराद हो सकते हैं और बैंकिंग की साइड हो तो 8 से 10 अफराद हो सकते हैं तो अगर इससे ज्यादा अफराद आ जाएं तो फिर हम पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप की बजाय कंपनी की तरफ जाते हैं एक वसी और इस बुनियाद पर जब बिजनेस करते हैं कारोबार करते हैं तो कंपनी कायम करना ज्यादा बेहतर रहता है ये कंपनी शेयर होल्डर्स की बुनियाद पर उनके सरमाए से कायम होती है अच्छा अब ये जो टर्म्स हैं कंपनी ज्वाइन स्टॉक कंपनी एंड कारपोरेशन इनके मायने सेम ही है चाहे आप कंपनी कहें चाहे ज्वाइन स्टॉक कंपनी कहें चाहे आप इसको कारपोरेशन कहें जैसे पहले पुराना नाम हम कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन का लिखते थे तो ये के इलेक्ट्रिक हो चुका है तो KESC इसकी एब्रिवेशन थी जॉइंट स्टॉक कंपनी कहलाती थी जिसको कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन भी हम कहते थे तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी और कंपनी ये ब्रिटिश टर्म है और दुनिया सबसे ज़्यादा यही टर्म्स मशहूर हैं आप दुनिया में किसी भी मुल्क में चले जाएं किसी भी माशरे में चले जाएं तो कंपनी और जॉइंट स्टॉक कंपनी खास तौर पर कंपनी का जो वर्ड है बहुत ज़्यादा मशहूर है मकबूल है दुनिया में इसके अलावा कारपोरेशन का वर्ड है कारपोरेशन का वर्ड जो है वो इस बिजनेस के लिए अमेरिका में इस्तेमाल होता है अदर देन अमेरिका दूसरी दुनिया में दूसरे मुल्कों में इंक्लूडिंग पाकिस्तान इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अदर ममालिक यूरोप इंग्लैंड उसमें कंपनी का वर्ड इस्तेमाल होता है तो ये टर्म जो है कंपनी और जॉइंट स्टॉक कंपनी की जो टर्म है ये ब्रिटिश टर्म है और कॉर्पोरेशन की टर्म है वो अमेरिकन टर्म है तो यहाँ हमने आपको इसके पॉइंट रिटर्न में भी दिया हुआ है कि कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी और कंपनी आर द सेम नेम एज कंपनी इज टू ब्रिटिश एंड कॉर्पोरेशन इज टू अमेरिका अ कंपनी इज एस्टेब्लिश व्हेन अ बिजनेस गेट्स एक्सटेंसिव बेस अदर देन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप The concept of business came from Italy in 13th century and transferred to England in the end of the 13th century. 13वीं सदी के आगाज में ये वर्ड जो है वो इटली में इसका आगाज हुआ इस वर्ड का ये वर्ड इटली से आया और 13वीं सदी में ही 13वीं सदी के अवाखिर में ये वर्ड जो है कंपनी का इंग्लैंड में पहुंच गया जिसके बाद जो है कंपनी के उस वक्त के रूल्स की बुनियादों पर बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 में कायम किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द कंपनी एक्ट इन 1844 1844 में इन 1844 ब्रिटिश पार्लियामेंट
passed the Company Act. After this, company was given a limited status in Britain in 1855. यानी कि बर्तानिया में जब कंपनी एक्ट उसकी पार्लियामेंट ने पास किया था 1855 में इस कंपनी को या कंपनी जो एक टर्म थी उसको लिमिटेड का स्टेटस 1855 में दे दिया गया. इस इंडिया कंपनी पास फर्स्ट इंडियन कंपनी एक्ट इन 1850. जब बर्तानिया ने बरसगीर पर कब्जा किया उसके कब्जा के साथ ही जो है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनना शुरू हो गए, कंपनी कवानीन भी बनना शुरू हो गए. 1850 में बर्तानिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडियन कंपनी एक्ट पास किया जिसको 1857 में जहाँ भी जो है वो लिमिटेशन या लिमिटेड का दर्जा दे दिया गया. इसके बाद हम देखते हैं कि आफ्टर सम चेंजिंग विद इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ द टाइम और गुजरने के साथ साथ जब लिमिटेशन का स्टेटस दिया गया इंडियन कंपनी एक्ट 1850 को तो वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें कुछ तब्दीलियाँ भी होती रही. उन तब्दीलियों का 1913 में इन 1913 अ न्यू कंपनी एक्ट पास पास टिल आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान रिमेन अनचेंज. पाकिस्तान की आज़ादी के बाद ये काफ़ी अर्से तक जो है वो अनचेंज रहा और 1984 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नया कंपनी ऑर्डिनेंस जिसको कंपनी एक्ट भी कह सकते हैं आप पास किया, नया कंपनी एक्ट 1984 भी जिसको आप कह सकते हैं. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको सदारती प्रेसिडेंशियल इसको उर्दू में आप सदारती ऑर्डिनेंस भी कह सकते हैं पास किया और उसके तहत कंपनी की तारीफ पाकिस्तान में सिर्फ वो है जिसके तहत कोई भी कंपनी 1984 या 1984 के कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत कायम हो पाकिस्तान में वो कंपनी कहलाएगी. करंट कंपनी एक्ट इन पाकिस्तान इज नोन एज पाकिस्तान कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 इशूड इन 1984 थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस. सदारती हुक्मरान के तहत 1984 में जो है कंपनी ऑर्डिनेंस एक्ट पाकिस्तान में नाफिज किया गया. तो 1913 का जो कंपनी ऑर्डिनेंस एक्ट जो चल रहा था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो मुतहदा हिंदुस्तान में नाफिज किया था लागू किया था उसको चेंज कर दिया गया और अब जो पाकिस्तान में कंपनी की डेफिनेशन है वो डेफिनेशन से पूछिए कि 1984 के तहत जो भी कंपनी कायम होगी 1984 के सदारत ऑर्डिनेंस के तहत कायम होगी. ये कंपनी की डेफिनेशन पाकिस्तान में. अच्छा अब हम आते हैं ये एक डेफिनेशन जो हम आपके इसको रीड कर देते हैं. एनी कंपनी एस्टेब्लिश अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनेंस ऑफ 1994 इज कॉल्ड टू बी अ कंपनी इन पाकिस्तान. अब ये बात आसानी से समझ चुके होंगे डेफिनेशन में. पाकिस्तान के जो डेफिनेशन है कंपनी की मैं फिर रिपीट कर देता हूँ. एनी कंपनी एस्टेब्लिश अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनेंस ऑफ 1994 इज सेड टू बी अ कंपनी इन पाकिस्तान. इसके अलावा कंपनी की अमेरिकन डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ. A corporation is an artificial being invisible, intangible and exists only in contemplation of law. Corporation या company एक मखनूई शख्सियत है जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता. यानी कि company या corporation एक ऐसी मखनूई शख्सियत है, बॉडी है जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप देख नहीं सकते. ये कानून अपना वजूद रखती है एक मखनूई इंसान के तौर पर जिसको तस्लीम किया जाता है. एवरी बिजनेस विच इशूज शेयर्स एंड हैज लिमिटेड लाइबिलिटी कॉल्ड अ बिजनेस. अदर डेफिनेशन देयर आर थ्री डेफिनेशन आई एम गिविंग यू ऑफ द कंपनी और कॉर्पोरेशन और जॉइंट स्टॉक कंपनी. एवरी बिजनेस विच इशूज शेयर्स एंड हैज लिमिटेड लाइबिलिटी कॉल्ड अ बिजनेस. उर्दू में हम ये कहेंगे कोई भी कारोबार जो हसस को जारी करे और जिसकी लाइबिलिटी महदूद हो उसको हम बिजनेस कहेंगे. ये तीन डेफिनेशन है, एक पाकिस्तान की, एक अमेरिका की और जनरल डेफिनेशन. Various definition of company. So here you are looking three definition. Pakistani definition, American definition and general definition. Now an important note for you. Company may perform agreement. Company muahide kar sakti hai, case kar sakti hai. Usko case kiya ja sakta hai. May face case. Company ownership and shares are transferable and the liability is limited. Company ki ownership hai. और शेयर जो है वो ट्रांसफरेबल है, मुंतकिल किया जा सकता है. जैसे पार्टनरशिप में या सोल प्रॉपर्टी में ये चीज़ें अवेलेबल, ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है कि आप शेयर्स को ओनरशिप को ट्रांसफर कर दें या उसको उसकी ओनरशिप को चेंज कर दें. उसकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है. कंपनी हैज़ अ लीगल सिग्नेचर अथॉरिटी. इसकी सिग्नेचर अथॉरिटी लीगल होती है, यानी कि आप ये बंदों पर डिपेंड नहीं करता, ये पर्सन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये अपनी मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है. ये वजह कंपनी है कई कई अशरों तक कई कई सदियों तक चल सकती हैं और चल रही हैं अदर देन
पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें अगर कोई पार्टनर निकल जाए या फिर डेथ हो जाए या फिर तो खराब हो जाए या सोल प्रोप्राइटरशिप में होने वाला कारोबार बंद हो जाए तो कारोबार भी बंद हो जाता है, वो कंपनी का वजूद तो उसमें होता ही नहीं है। लेकिन कंपनी में यह फायदा है कि आप जो है उसकी लीगल सिग्नेचर अथॉरिटी रखते हैं, उसका मुआहदा होता है, उस पर केस कहते हैं, उस पर केस किए जा सकते हैं, वो केस कर सकता है, लोन ले सकता है, लोन दे सकता है। कंपनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवेलिंग एंड रेंडरिंग लोन्स। नाउ हियर वी विल डिस्कस विद यू काइंड ऑफ कंपनीज एंड इन डिटेल यू विल स्टडी दिस काइंड ऑफ कंपनीज इन योर बुक्स, वेदर your reference book of Sham Outline series or any other your country's writer, like in Pakistan Professor Amin Khalid, or in other countries Sham Outline series are the best book. Kinds of the companies we are coming, kinds by incorporation, हम company exam देखते हैं। number one जो exam है kinds incorporation की बुनियाद पर company की किस्म। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि incorporation होती क्या है। देखें, मैंने आपको बताया कंपनी की जो टर्म है वो ब्रिटिश टर्म है, कॉर्पोरेशन जो है वो एक ऐसी टर्म है जो बरतानिया में ज्यादा इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर इनकॉर्पोरेशन है तो इनकॉर्पोरेशन वो लिमिटेड होती है, और इस लिमिटेड की जो टर्म है वो बरतानवी टर्म है, जिसको हर कंपनी को लिमिटेशन का स्टेटस दिया गया बरतानिया में और बरतानिया के बाहर जहाँ बरतानिया ने रूल किया। तो ये सब चीजें एक ही है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा ताकि आपकी चीज में जहन आपके जहन में चीजें बैठ जाए। तो काइंड ऑफ कंपनी बाय इनकॉर्पोरेशन, चार्टर्ड कंपनी वो होती है जो ऐसे ममालिक में कायम की जाती है जहाँ बादशाहते हैं, किंगडम्स कायम है, जैसे बरतानिया, जापान, थाईलैंड, सऊदी अरब, यहाँ किंगडम्स कायम है, तो वहाँ की जो रॉयल फैमिलीज होती है, रॉयल ऑर्डर होता है, उसकी जो कंपनी कायम होती है उसको चार्टर्ड कंपनी कहते हैं। बस चार्टर्ड कंपनी इसके वाजिबात लड़की के मेम्बरान पर आयद नहीं होती बल्कि बराह रास्त हुकूमत की होती है। इसके आगे लफ्ज लिमिटेड नहीं लगाया जाता क्योंकि चार्टर्ड कंपनी होती है। ठीक है, इन कंपनियों मिसाल में ईस्ट इंडिया कंपनी, बैंक ऑफ इंग्लैंड और चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। आईनी कंपनी यानी कि स्टेचुरी कंपनी, स्टेचुरी कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी भी मुल्क की जमहूरी हुकूमत कायम करती है पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद, और पार्लियामेंट की मंजूरी जाहिर सी बात है अगर अक्सरियत मंजूरी दे देगी तो वो कंपनी इस्टेब्लिश कर दी जाएगी। इसके आगे लिमिटेड भी लिखा जा सकता है, उसका इनसार अपनी मर्जी पर होता है, लेकिन जो चार्टर्ड कंपनी उसके आगे तो आप देख ही नहीं सकते। ठीक है, अब इनमें अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखें, आईनी कंपनी इसमें स्टेट बैंक, पिकिक इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, आईसीपी इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, आईडीबीपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एनएडीबीपी ज़रा तरक्याती बैंक, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान, स्टील, ये तमाम कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी, ये वो कंपनी होती है जो ऑर्डिनेंस चार्ज के तहत कायम की जाए, रजिस्टर्ड कंपनियां कहते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख के मुताबिक है। आगे हम देखते हैं जो जनरल तारीफ है पूरी दुनिया में लागू, इनके नाम के साथ लिमिटेड का लफ्ज, जितने भी रजिस्टर्ड कंपनी होती है उनके नाम के साथ लिमिटेड का लफ्ज लिखना लाजमी है। इसका मतलब इस कंपनी के मालिक या अरकान या मेम्बरान की वाजबात की सदैव महदूद जिम्मेदारी है। कंपनी को अपने हकूक, जिम्मेदारियां, वाजबात और फराइज मकासिद के सिलसिले में इस ऑर्डिनेंस पर अमल करना होता है। रजिस्टर्ड कंपनियों की उसमें प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनियां शामिल होती हैं, यानी कि ये लिमिटेड के तहत लिख रहा है अगर पब्लिक और प्राइवेट कंपनियां शामिल होती हैं। काइंड ऑफ बाय शेयर, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनीज, काइंड बाय लाइबिलिटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ये अब हम देखते हैं लाइबिलिटीज में कंपनी बाय लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती है। ये कंपनियां सरमाया कैपिटल शेयर की बुनियाद पर कायम की जाती हैं, ये कंपनियां कैपिटल शेयर की बुनियाद पर कायम की जाती हैं जो कि छोटे छोटे हिस्सों पर तकसीम कर दिया जाता है। जिन लोगों का भाई हसस होता है, इन्हें हसस से ज्यादा शेयर, इन कंपनी के शेयर्स होते हैं, छोटी छोटी कंपनी होती है, उनके हिस्सों को छोटे छोटे तकसीम कर दिया जाता है और ये शेयर लोगों के पास मौजूद होते हैं। शेयर होल्डर्स कंपनी के वाजिबात से जिम्मेदारी से खरीद करदा हसस तक महदूद होती है। कंपनी की दीवारें जो सदमे शेयर होगी ज्यादा ज्यादा महफूज रहती है। प्राइवेट कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये कंपनियां गैर तजारती मकासद के लिए कायम की जाती हैं। इनका मुद्दा ऑब्जेक्ट फॉर्मूल लतीफा, यानी कि वो बहुत से लोग होते हैं जो अपनी कंपनी के मार्केटिंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, पब्लिसिटी के लिए प्राइवेट कंपनियां कायम करते हैं ताकि उनकी शोहरत हो, उनकी रेपुटेशन हो और लोग उनकी मसूआत को खरीदें, वो ये प्राइवेट कंपनियां कायम करते हैं। इनका फॉर्मूल लतीफा की सूरत में, अदब की सूरत में, सफान सकाफत की सूरत में, तरक्की और तरबीज की सूरत में, इसके मेहमान एक मखसूस किस्म की जिम्मेदारी कबूल करते हैं जो कि इस इदारे के खात्मे पर वाजिब अदा होती है। बाज अवकात इस कंपनी यानी कि ये टेम्पररी कायम किया जाता है, जैसा होता है यहाँ पर जो इसके लिए खदमात अंजाम दे रहा है उसको पेमेंट की जाती है पब्लिक कंपनी की तरफ से या
ऐसी कंपनी की तरफ से जिसके लिए ये काम कर रहे हैं। बाकी रकूमत की गारंटी दे दी जाए, बाकी जैसे पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल, कराची लाहौर इस्लामिक स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसी कानून की बुनियाद पर फाइन है। कार्ड बाय ऑनरशिप सेवी गवर्नमेंट कंपनीज, इन कंपनियों में हुकूमत का सरमाया कम से कम 51% होता है, यानी होती तो हुकूमत की, लेकिन हुकूमत इसकी मैनेजमेंट जो है वो शेयर्स करके दूसरों के हाथों में दे देती है, या आमतौर पर कंपनियां तजारती मालियाती या यूटिलिटी खदमात प्रोवाइड करती है। मतलब कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन, अब इसके 51% शेयर तो हुकूमत के पास है, लेकिन 49% शेयर जो है वो प्राइवेट मैनेजमेंट के पास है, जिसके चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो। एक बात याद रखिएगा कि प्राइवेट कंपनी में ज्यादातर मेंबर की तरह 50 होती है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मौजूद होते हैं उसमें भी सिलेक्टेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, इस बात को आपको समझना होगा। इसके अलावा नेशनलाइज कंपनियां, ये वो कंपनियां होती हैं। अच्छा, इसके अलावा काइंड ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और काइंड सेमी गवर्नमेंट के बाद नेशनलाइज कंपनी वो कंपनियां होती हैं जिसको हुकूमत अपनी टेबल में ले लेती है। यूनियन चार्टर्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड को कौमी मलकियत में ले लिया गया। पाकिस्तान में तमाम मरकजी तजारती सरकारी बैंकों और इदारों ने सदर कौमी मल, जो पाकिस्तान के हालात बुरे थे आफ्टर बांग्लादेश के सेपरेशन के बाद, जो है हालात बुरे हो गए थे, खजाने में पैसा नहीं था, इकोनॉमी बहुत जो है वो गिर गई थी पाकिस्तान की, तो उस वक्त जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको नेशनलाइज कर दिया और तमाम इदारों को सरकारी टेबल में लिया। इस तरह जो रेवेन्यू जनरेट है वो कौमी खजाने में किया और मुल्क की रियासत को उसको इस्तेमाल दिया गया। 1988 के बाद से इन कंपनियों को वापस प्राइवेट सेक्टर में जाने दिया गया। अच्छा, इसके अलावा होल्डिंग कंपनीज के हम तरफ आते हैं। होल्डिंग कंपनी, अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी का कंट्रोल हासिल कर ले तो इसे होल्डिंग कंपनी कहते हैं। अच्छा, ये भी काइंड बाय ऑनरशिप है। होल्डिंग कंपनी किसी कंपनी का कंट्रोल हासिल करने का तरीका यह होता है कि इससे इसके अक्सरती हसर यानी कम से कम प्रतिशत हसर खरीद लिया जाए। ये वो कंपनी होती है जो सेमी गवर्नमेंट कंपनी होती है। सेमी गवर्नमेंट कंपनी ये काम ज्यादा करती है, होल्डिंग कंपनी इनके पास बहुत होती है। ठीक है, अगर कोई कंपनी किसी का हासिल कर लेते हैं तो होल्डिंग कंपनी कहने के ऐसी होल्डिंग कंपनी भी हो सकती है। बहुत से पावर प्लांट और पावर डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस को बाय कर सकता है, ठीक है, अपने रेवेन्यू की बुनियाद पर, तो ये होल्डिंग कंपनी कहलाती है। ठीक है, और जो जिनको होल्ड किया जाता है वो सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। तो होल्डिंग कंपनी जिसे कंट्रोल हासिल कर ले, जिससे आर से टू बी देरी या मातहत कंपनी, होल्डिंग कंपनी का लेना वो भी